नमस्कार, आरपी न्यूज लाइव देख रहे हैं। मैं ऋषि शेखावत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हरियाणा के श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक की अध्यक्षता में कुछ दिन पहले भिवानी के स्थानीय पंचायत भवन में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक आयोजित की गई, जिस बैठक में लोहारू से भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय सिंह शेखावत भी इस कष्ट निवारण समिति की बैठक में शरीक हुए। और आपको बताते चलें, इस कष्ट निवारण समिति की बैठक में लोहारू से मेजबानी कर रहे विजय सिंह शेखावत कई दशक से वीरान पड़ी लोहारू के ऐतिहासिक किराना तालाब के साथ लगती करीब 1100 बीघा गोचर भूमि की पैमाइश व निशानदेही करने की जोरों से आवाज़ उठाई, जिसको लेकर बैठक में मौजूद मंत्री अनूप धानक ने लोगों की वर्षों पुरानी मांग पर कार्रवाई करते हुए अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश दिए। और इसका असर ये हुआ कि एसडीएम जगदीश चंद्र ने राजस्व विभाग, पंचायत विभाग और नगर पालिका के अधिकारियों के साथ जाकर जमीन का अवलोकन किया। एसडीएम ने एक सप्ताह के भीतर इस जमीन की पैमाइश और निशानदेही का कार्य शुरू करने की बात भी कही। तस्वीरों में आप देख भी रहे कि जो आवाज़ विजय सिंह शेखावत ने कष्ट निवारण समिति की बैठक में उठाई, जो आवाज़ उठाई थी, उस आवाज़ का आज फसल पर असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जेसीबी चल रही है गोचर भूमि में, जो नगर पालिका के द्वारा गंदगी फैलाई जा रही थी, उस गंदगी को अब साफ किया जा रहा है। साथ ही किराना का जो तालाब है उसमें भी गंदगी फैल रही थी, उस गंदगी को भी अब साफ किया जा रहा है। तो ये एक अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे थे। कष्ट निवारण समिति की बैठक में जो आवाज़ प्रमुखता के साथ उठाई गई थी, अब जो है वो कर्मचारी भी इस चीज़ को अमल में लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही विजय सिंह शेखावत ने नगर पालिका के जो कर्मचारी थे बैठक में मौजूद, उनको भी लताड़ लगाई थी। उस लताड़ का असर होता हुआ यहाँ पर दिखाई